इन द सर्किट शोन ईच बैटरी इज ऑफ 5 वोल्ट। तो आपको एक सर्किट दे रखा है जिसमें बहुत सारी बैटरीज हैं और सबके वोल्टेज 5 वोल्ट हैं और सबके रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 0.2 ओम है, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर लगा रखा है वो आपको आइडियल वोल्ट मीटर बोल रखा है उसमें, ठीक है। उसने कह रखा है कि वोल्ट मीटर जो है आपका आइडियल वोल्ट मीटर है। तो आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब क्या होता है? आइडियल वोल्ट मीटर से रेजिस्टेंस इनफिनिट होती है, हाँ, कि मतलब करंट केवल इसी सर्किट में ऐसे घूम रही। तो बताओ वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को? एक ही लूप है तो बैटरी सारी सपोर्ट कर रही, देखो आप सारी बैटरी सपोर्टेड है कि नहीं। तो आप यहाँ पर वो सीरीज वाला फार्मूले से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बैटरी जितनी होंगी उसके अकॉर्डिंग ईएमएफ आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 है ना, 8 बैटरीज हैं, तो 80/8R ये करंट हो जाएगी। जब करंट पता है तो ए और बी तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख सकते, करंट इसमें तो जा ही नहीं रही, इसी में तो जा रही है। तो इस रास्ते पर चल के आप ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे। तो काफी आसान प्रोसेस है, देखो आपको दिक्कत तो नहीं है इस प्रोसेस में। पहले तो आपने करंट लिखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बैटरीज एंड एवरी बैटरी इज सपोर्टिंग ईच अदर। तो टोटल ईएमएफ विल बी इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल ईएमएफ्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 8 × R। तो करंट कितना आ गया? E/R करंट आ गया। वोल्ट मीटर में जाएगा नहीं क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये आपको समझना होगा आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब। तो करंट ऐसे जा रहा है बस। तो आप यहाँ से यहाँ तक KVL लिख दो। इसके अलावा कुछ और सोच रहे हैं तो बताइए, क्या इसके अलावा कुछ और सोचा जा सकता है क्या इस प्रॉब्लम? VB − I × R + E = VA। तो VA − VB कितना आ गया? E − IR × I × R यहाँ से रख दो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या बोली जाएगी? 0 बोली जाएगी। तो काफी आसान प्रॉब्लम था, अगर आपको आइडियल वोल्ट मीटर का मीनिंग एकदम क्लियर है तो, ठीक है। अब प्रॉब्लम इस तरह का भी बन सकता है, देखो हम कहते हैं तो हैं कि अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाओ, वोल्ट मीटर को हमेशा आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए पैरेलल में लगाते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो बनाने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए जस्ट ऐसे बोल दिया कि अब बताओ इसमें रीडिंग क्या होगी वोल्ट मीटर और अमीटर की, ठीक है। तो अगर आपको कल वाली बात याद है मेरी कि कैसे निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो क्या बोला था मैंने कि वोल्ट मीटर जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस लगाओगे उन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है लगाने के बाद डायरेक्टली वही आपकी वोल्ट मीटर की क्या बोली जाएगी? रीडिंग बोली जाएगी, ठीक है। अमीटर में जितना करंट एंटर करता है वो अमीटर की रीडिंग होती है, ठीक है। वोल्ट मीटर और अमीटर आइडियल नहीं है, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर होता तो करंट 0 हो जाती, चलती ही नहीं करंट, ठीक है ना। अगर बोलता अज्यूम दैट वोल्ट मीटर इज आइडियल तो करंट इन द सर्किट 0, ठीक है। बट इसने आइडियल नहीं बोला, इनफाइनाइट नहीं बोला, फाइनाइट रेजिस्टेंस है इनके, तो आपको इनकी रीडिंग बतानी, ठीक है। तो कोई दिक्कत है क्या आपको? जब इसमें करंट चल रहा हो E/RV + RA इस तरह से करंट हो जाएगा, और जब करंट आ गया तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख सकते क्या? बताइए भाविक, लिख देंगे आप ये? पास आके बोलिए भाविक माइक के, देखो कोई डाउट तो नहीं है आपको? यस सर, बहुत सही बेटा, E − VB। हाँ, तो E/RV + RA आ गया, ठीक है। तो अब आपको लिखना है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर का मतलब है VA − VB लिखना है आपको। तो VA − VB क्या हो जाएगा? I × R रेजिस्टेंस जो है इसका वोल्ट मीटर का। तो कोई डाउट किसी को इसमें? I × RV, I की जगह लिख देंगे आप E/RV + RA × RV। तो रीडिंग ऑफ अमीटर विल बी इक्वल टू E/RV + RA। अगर रीडिंग ऑफ अमीटर की बात करें तो करंट जितना चल रहा है यही अमीटर में एंटर कर रहा है, तो दिस इज द रीडिंग ऑफ अमीटर। बयान बताइए बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस तरह का दे देगा तो? आप ये तो नहीं बोलेंगे कि ये सीरीज में कैसे लगा दी, कैसे भी लगाए, ठीक है? यस सर। हाँ, बट दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमको लगाना है तो हम उसके क्या लगाते हैं? पैरेलल में लगाएंगे हम मेजर करने के लिए, खुद लगा रहे हैं, ठीक है ना। बट इसका पर्पज ऐसा कुछ नहीं था कि इसने जस्ट लगा दिया तो बताओ रीडिंग क्या होगी, ये पूछा, ठीक है। तो देखिए, yes, हाँ, इस तरह का प्रॉब्लम देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सर्किट टू वेरीफाई द ओम्स लॉ।
तो ओम्स लॉ ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ओम्स लॉ को वेरीफाई करने का करेक्ट सर्किट क्या होता है बेटा, तो क्या फंडा है इसका, अभी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन, अभी इसको स्टॉप